वेलकम, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रश्नावली 12.2। ये वीडियो बनाया जा रहा है 12.2 का। तो चलिए 12.2 में हम किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि रैखिक प्रोग्रामन से 6 अंक के बोर्ड एग्जाम में इस बार आने वाले हैं, तो केवल 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। वो 1-2 क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, हो सकता है 12.1 से आए या तो 12.2 से आए, इन्हीं दोनों नियमों के अनुसार आ सकता है और कहीं भी बाहर से नहीं आएगा। लेकिन जो भी आएगा वो एनसीईआरटी पैटर्न से आएगा। तो 6 नंबर तैयार करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम आपको समझा देंगे कि कैसे 6 नंबर आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को अगर समझा देते हैं तो आप खुद लगा लेंगे, लेकिन आप अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। कोई रेशमा है, वो 2 प्रकार के भोज्य है, भोज्य कौन कौन सा, एक पी है और एक क्यू, इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए अवयव में 8 मात्रक, विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत 60 रुपये पर केजी और क्यू की लागत है 80 रुपये पर केजी। फिर आगे बोला है, भोज्य पी में 3 मात्रक पर केजी विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी हो, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्या, न्यूनतम लागत। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाली चीजें यही है कि हमें न्यूनतम ज्ञात करना है कि अधिकतम ज्ञात करना है। इस टोटल क्वेश्चन में आपको ये देखना है, मैंने आपको पहला बताया था कि सबसे पहला चीज आपको यही जानना है कि हमें उद्देश्य न्यूनतमीकरण करना है या तो अधिकतमीकरण करना है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि ये न्यूनतमीकरण करना है। तो हम आपको बता दें, ये जो आपके चैप्टर में ये बुक में दिया है रैखिक प्रोग्रामन, ये बीएससी लेवल पे भी है और बीकॉम लेवल पर भी है। तो ये क्वेश्चन जो है इंटर लेवल पे भी है, बीएससी लेवल और बीकॉम लेवल तीनों में ये वाला क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर बीकॉम में भी है तो वो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर 12th क्लास में है तो भी देख सकते हैं, बीएससी लेवल पे है तो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं कि हमें करना कैसे है। सबसे पहले इस लिखे हुए मैटर को एक हमें चित्र में, मतलब एक ग्राफ में हमें दर्शा देना है कि इस टोटल के क्वेश्चन कहने का मतलब हमें क्या कह रहा है। अगर हम एक ग्राफ में आपको दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो शुरू करते हैं हल में। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे, मान लेते हैं, मानकर इसको सॉल्व करेंगे। माना ये रेशमा के लिए क्वेश्चन है, तो लिखेंगे रेशमा एक्स के जी भोज्य पी और वाई के जी भोज्य क्यू, वाई के जी भोज्य क्यू मिश्रण मिलाती है। अब इन्हीं दोनों के अनुसार हम मिश्रण में इसमें रखेंगे, भोज्य एक पी है और एक क्यू है। अब मात्रा कितना कितना दिया है वो लेंगे, तो मात्रा मैंने एक मान लिया है एक्स के जी और एक वाई के जी, तो ये हो गया एक्स के जी और एक वाई के जी के लिए। अब विटामिन ए में क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो मैं दिखा देता हूं, उसकी वैल्यू यहां पे रख लेंगे, और क्यू के लिए विटामिन ए क्या है वो लिखेंगे, पी के लिए विटामिन बी क्या है वो लिखेंगे, क्यू के लिए विटामिन बी क्या है वो लिखेंगे, और कितने दर से है वो यहां पे हमें दर्शाना पड़ेगा। तो चलिए इन सभी को हम दर्शा लेते हैं। तो देखिए पी के लिए विटामिन ए कितना दिया गया है, पी के लिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, मिश्रण में अवयव 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो, तो ये तो हमारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए क्या लिख रहा है, यहां से देखिएगा पी में 3 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए, तो हमें ये पता चल रहा है कि पी के लिए विटामिन ए में कितना 3 मात्रक प्रति केजी है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 मात्रक प्रति केजी। अब इसी तरह से क्यू के लिए विटामिन ए में कितना है वो देखिए, क्यू के लिए उसी के आगे लिखा होगा, लिखा है और 5 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी, जबकि भोज्य क्यू में, देखिए हमें ये चीजें नहीं लेना है क्योंकि यहां पे क्यू की बात हो रही है, तो हमें क्यू का लेना है, क्यू में 4 मात्रक प्रति केजी विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति केजी विटामिन बी है, लेकिन हमें रखना है पी में। तो पी के लिए विटामिन, देखिए पी के लिए विटामिन हमारा बी, ये है 5 मात्रक, तो ये हो गया 5 मात्रक प्रति केजी। ठीक, अब क्यू की बात करते हैं, तो क्यू के लिए क्या है,
क्यू के लिए चार मात्रक है और दो मात्रक है, चार और दो अलग अलग है, तो ये लिख लेते हैं। एक हमारा है चार मात्रक प्रति केजी और एक है दो मात्रक प्रति केजी, मात्रक प्रति केजी, ये हो गया। अब दर कितने कितने के दर से है ये हम देख लेते हैं। दर हमारा देखते हैं कितने के दर से है। दर हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहां पे, पी की लागत 60 रुपए प्रति केजी, पी की लागत है और क्यू की लागत है 80 रुपए पर केजी, तो ये हम लिख लेते हैं। इसकी लागत है 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी, इसकी 80 रुपए पर केजी, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आवश्यक विटामिन की कम से कम मात्रा हमें जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं। तो कम से कम मात्रा कितना दिया है ये देखते हैं। लिखा है मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन ए, तो यही हम लिखेंगे, विटामिन अवयव में 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी, ये 8 मात्रक ए के लिए है और 11 मात्रक बी के लिए है, तो ये हम ले लेते हैं। ये हो गया यहां से 8 मात्रक और इसमें है 11 मात्रक, ठीक। अब मैंने एक ग्राफ के द्वारा अगर इसको दर्शा दिया है तो बस करना क्या है, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम चलिए आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है उद्देश्य फलन, जो कि हमें न्यूनतमीकरण करना है या तो अधिकतमीकरण उसको पता करना है। तो हमें पता चल गया कि न्यूनतमीकरण करना है। आपको एक चीज और पता है कि उद्देश्य फलन को जेड से प्रदर्शित करते हैं और उद्देश्य फलन का मान कितना होगा हमें यही दिया है 60। दर कितना दिया है 60 केजी और 80 केजी, ये हमारा उद्देश्य फलन माना जाएगा। तो चलिए इन्हीं दोनों के अनुसार हम उद्देश्य फलन बना लेते हैं। तो मैंने लिख लिया उद्देश्य फलन z बराबर 60x प्लस 80y, ये हमारा उद्देश्य फलन मिल गया। इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो लिखेंगे विटामिन ए की कुल मात्रा कितना था 3x प्लस 4y। एक तो हमारा 3 था, किसमें, इसमें 3 था और इधर 4 था, तो ये हो गया 3x 4y, जो कि कम से कम 8 मात्रक है। चलिए इसको हम ग्राफ में दिखा लेते हैं। तो ये है विटामिन ए के लिए 3 मात्रक, 4 मात्रक, कम से कम 8, इसी तरह से 5 मात्रक बी के लिए, 5 मात्रक, 2 मात्रक, कम से कम 11। तो इन्हीं, ये तो पहला मैंने समीकरण बना लिया, इसको बनाएंगे दूसरा समीकरण। तो ये ए के लिए हमारा 3x प्लस 4y मिल गया, इसको हम असमिका में चेंज करेंगे, 3x प्लस 4y कम से कम मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये क्या है कम से कम, इससे कम है, ठीक है। तो हमारा ये मिल गया पहला के लिए। अब इसी तरह आते हैं विटामिन बी के लिए। विटामिन बी की कुल मात्रा कितना था 5x प्लस 2y, जो कम से कम, इसमें कम से कम कितना था 11 मात्रक, तो ये हो गया 11 मात्रक। अब इसका भी असमिका बनाएंगे, तो 5x प्लस 2y लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, तो ये अधिक है ये कम है, कम से कम है, ठीक है। तो हमारा ये दो चीजें मिल गया। अब हमें जो उद्देश्य फलन आया था z बराबर 60x प्लस 80y, इसका हमें क्या करना था, न्यूनतमीकरण करना था, न्यूनतमीकरण। क्वेश्चन के लास्ट में अंत में बोला होगा कि क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, तो लिखेंगे न्यूनतमीकरण करना है जबकि अवरोध क्या क्या है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ये पहले के लिए, इसी तरह कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये हमारा दो है, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है इन्हीं दोनों के अनुसार। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम पहले को ले लेते हैं पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट को लेते हैं, तो ये है 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 8, इसको समीकरण में चेंज करेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां पे मानेंगे कुछ, इसका बिंदु ज्ञात करने के लिए हम मानेंगे x बराबर अगर 0 रखते हैं, हम इसमें अगर x बराबर 0 रखते हैं, यहां पे 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 2, मतलब 0 2 हमारा बिंदु मिल गया। इसी तरह से y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8/3 हो जाएगा, मतलब
8 बटे के 3 और 0, ये हो गया बिंदु। तो हमारा इस असमिका से दो बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे असमिका को लेंगे, तो दूसरे असमिका को पहले लेते हैं, फिर उसका हम चिन्ह करेंगे समीकरण में, फिर उसका बिंदु ज्ञात करेंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 इज इक्वल टू, इसको बनाएंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये मैंने समीकरण में चेंज कर लिया। अब यहां से x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y का मान आ जाएगा 11 बटे के 2, ये हो गया 11 बटे के 2। तो इसकी बिंदु हमें क्या मिल गई, 0 और 11 बटे के 2, ये एक बिंदु मिल गया। इसी तरह से सेकंड लेंगे, इसमें हम रखेंगे y बराबर 0, तब x का मान क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 बटे के 5 या 11 बटे के 5 और 0, ये हो गया बिंदु। तो इस असमिका से हमें दो बिंदु प्राप्त हो चुका है। ठीक, अब ये प्राप्त हो चुका है और ठीक है, इन्हीं दोनों के अनुसार हमें क्या करना है, अब एक ग्राफ बनाना है। तो चलिए चतुर्थांश में हम ग्राफ बना के दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिंदु भी ले लिया, पहले असमिका के लिए ये बिंदु था, दूसरे असमिका के लिए ये बिंदु था, लेकिन ये बटे में है तो बटे को भी अगर हमें दर्शाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है कि बटे को कैसे ग्राफ पे दिखाएं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सिंपल से दिखा लेंगे, लेकिन 8/3 है तो 8/3 को पहले दशमलव में बदल लीजिए, 3 × 2 = 6, बचा का 2 = 20, 3 × 6 = 18, मतलब 2.6 स्थान पे आप इसको दर्शा सकते हैं। 11/2 को 5.5, 11/5 को 5 × 10, अब 5 × 10 ये हो गया, मतलब हमें ये बिंदु मिल जाएगा इसके लिए, इसके लिए ये बिंदु। तो इसी के अनुसार हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो चलिए दिखा लेते हैं, ये मैंने ग्राफ बना लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक, चलिए दिखाते हैं। पहला बिंदु है 0 से 2, तो 0 से 2 वाई पे 2 है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें है 8/3 से 0 तक, तो 8/3 का मतलब है 2.6, तो 2.6 5 यहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा 2.6, ये आ जाएगा बिंदु। ठीक है, तो ये आ गया 8/3 और 0, तो ये बिंदु हमें दोनों मिल गया। इससे हम एक रेखा बना लेते हैं, तो हमारा एक रेखा यहां से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, दूसरा बिंदु है 0 11/2, तो 11/2 जो कि वाई में है, तो 0 से यहां से लेके एक्स के लिए, और 11/2 का मतलब है 5.5 जो कि इसके बीच में आएगा, तो ये मैंने कर लिया। फिर अगले में बिंदु है 11/5, 11/5 को मैंने दशमलव बदला तो 2.2 आ गया, जो कि यहाँ पे है लगभग, ये यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। तो इसको और इसको मिलाते हैं, ये दूसरा असमिका है, ये दूसरा असमिका को मैं मिला लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, दूसरा असमिका भी मिल गया। अब देखिए ये जो कटान बिंदु मिला है, ये कटान बिंदु कितने पर मिला है, तो अप्रोक्स से देखा जाए तो इसके पहले है, तो मतलब इसी में पॉइंट मिलेगा। हम कह सकते हैं कि इसी में पॉइंट अगर मिलेगा तो उसका भी मान अभी हम लिखकर दिखा लेंगे। तो हमारा जो ये घिरा हुआ भाग है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये ओ, ए बी सी ओ, ये हमारा सुसंगत भाग है, जो हमारा घिरा हुआ भाग है। ठीक है, तो चलिए अब इसका नाम देते हैं कितने पे ये कटा हुआ है। तो ये जो भाग कटा हुआ है, ये इधर में देखा जाए तो एक यहाँ पे है, इसके बीच में आधा इसी के सामने दिख रहा है, तो मतलब ये कह सकते हैं 1/2 है, और ये अप्रोक्स 2 पे है, हम थोड़ा आगे पीछे नहीं लेंगे, इसको अप्रोक्स 2 मानेंगे। तो ये हो गया 2 और इधर 1/2, आधा का मतलब 1/2। तो हमारा ये कटा हुआ भाग मिल गया 2 और 1/2, बाकी चीजें आपको पता है। इसी के अनुसार हम निकालेंगे इसका न्यूनतमीकरण। अब लिखेंगे रेखा 3x + 4y = 8, 5x + 2y = 11, यही हमारा दो अलग अलग रेखा था, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें क्या मिला है, मतलब कटान बिंदु P मिला है, एक बिंदु मैंने इसका P नाम दे दिया, वो क्या मिला है, मिला है 2 और 1/2, ये हमारा बिंदु मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे अर्थात कोणीय बिंदु हमें क्या मिला वो लिख लेते हैं। कोणीय बिंदु हमारा पहले था 0 11/2, ये पहले का था, और 2 1/2 ये हमारा P का कटान बिंदु मिला, और 8/3 और 0 ये पहले असमिका का, ये दूसरे असमिका का, ये कटान बिंदु, इन्हीं तीनों की वजह से मुझे निकालना है न्यूनतमीकरण। तो चलिए न्यूनतमीकरण का मैं एक ग्राफ बना लेता हूं।
तो ये हमारा फाइनल आखिरी स्टेप है। इस स्टेप में मैंने बिंदु को ले लिया, ये पहला बिंदु पहली रेखा के लिए कटान बिंदु और ये तीसरे दूसरी बिंदु है लास्ट का। अब इसी के अनुसार हमें इसमें रखना है जेड बराबर 60, एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0, 80 वाई की वैल्यू 11 बटे 2 रखेंगे तो 2 से ये काट देगा, ये 40 हो जाएगा, 40 में 11 का गुणा कर दीजिए, 11 चौके 44 और ये हो गया 0। इसी तरह जिसमें रखेंगे 60 दूनी के 120, ये हो गया जेड बराबर 120, एक्स की वैल्यू हो गया, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, 120 और 40 मिलके हो गया 160। इसमें आते हैं एक्स बराबर लिखेंगे 8 बटे के 3, तो ये 3 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 20 का 8 में गुणा कर दीजिए, 8 दूनी के 16 है, वो मिल गया, ये हो जाएगा 0, 8 दूनी के 16 मतलब 160, ये हो गया। अब देखिए न्यूनतमीकरण करना है हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण। तो इसमें देखा जाए सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम ये दोनों दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये न्यूनतमीकरण दोनों है, ये भी कह सकते हैं, या आपको दर्शाना है तो लिखेंगे। अतः 8 बटे 3 और 0, इसका बिंदु है 8 बटे 3 और 0 कॉमा 2 और 1 बटे 2 जो कि कटान बिंदु का है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर z का मान कितना आ रहा है, z का मान 160, z का मान 160 है, ये हो जाएगा आपका आंसर न्यूनतमीकरण z बराबर 160। इस तरह से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें ताकि आपको इस तरह से और भी वीडियो मिल सके। सेम इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा क्योंकि सेम इसी प्रकार से है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करें, मैं आपको अगला भी वीडियो बना के दे देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।